Hi guys, I'm Vitali. Welcome to my channel World of Knowledge. मैं आज आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ. आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो. और मैं आगे भी जो भी वीडियोस लेकर आऊँगी वो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही होंगे, इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किए देखिए, पूरा जरूर देखिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आगे की जो भी वीडियोस होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे. थैंक यू. आज जो मैं आप सबके लिए एक ऐसे लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है विज्ञान की देन. आज का युग विज्ञान के चमत्कारों का युग है. आज का विज्ञान मानव जाति के लिए साक्षात कल्परूप तथा कामधेनु का रूप है. विज्ञान हमें दुखों से मुक्ति दिलाने, हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए आया है. यह एक निष्ठावान सेवक के रूप में हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सेवा करने आया है. यह हमारे घर में, खेत में, पढ़ाई में और कारखानों में सेवक के रूप में विद्यमान है. हमारे चारों तरफ विज्ञान द्वारा आविष्कृत चीजों से भरा हुआ है. दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बदल दिया है. विज्ञान की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है. पुस्तकें, संगीत और मनोरंजन की अन्य सभी चीजें हमारे लिए आज सुलभ हो गई है. रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और सिनेमा आदि ऐसे साधनों में अन्यतम है. चिकित्सा जगत में विज्ञान का अवदान अपरिसीम है. आज इसके कारण बहुत से बीमारियों का इलाज हो सकते हैं, महामारियों को नियंत्रण कर सकते हैं. विज्ञान ने आज दूरी पर विजय पा ली है. हम आज तेज गति से और सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं. महीनों और वर्षों का काम अब कुछ घंटों में पूरा कर सकते हैं. बहुत सारे बीमारियों का इलाज करने के लिए विज्ञान ने आज बहुत सारे तरीके ढूंढ निकाले हैं, जिसके वजह से आज कोई भी बीमारियों का इलाज करना संभव हो पाया है. पहले जो बीमारी ठीक करने में सालों लग जाते थे, आज वो बीमारी महीनों भर में ही ठीक हो जाते हैं. विज्ञान के अवदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है. विज्ञान के कारण से हवा में लोग उड़ने लगे हैं. यातायात के क्षेत्र में जो विज्ञान ने एक नए युग का ही आविष्कार कर डाला है. बिजली, बत्ती, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि विज्ञान का ही अवदान है. मोबाइल फोन से दूर देशों के रिश्तेदारों की हाल बहुत ही आसानी से जाने जा सकते हैं. खेत में भी विज्ञान का महत्वपूर्ण अवदान है. कम मिट्टी में भी अधिक शस्य उगने के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्री तैयार हुआ है. विज्ञान खेत, व्यवसाय आदि में भी प्रयोग होता है. विज्ञान के कारण आज चंद्रलोक तक लोग पहुंच पाया है. मनोरंजन, शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, यहाँ तक रसोई घर तक भी विज्ञान की उपलब्धियां हैं. टेलीविजन और इंटरनेट ने हमारी दुनिया को एक छोटा सा स्थान बना दिया है. हर एक व्यक्ति आज सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक विज्ञान के आविष्कारों पर ही निर्भर रहते हैं. विज्ञान के बिना अब कोई भी अपनी जिंदगी कल्पना भी नहीं कर सकता. विज्ञान का अभिशाप. विज्ञान के आविष्कार के बाद उद्योग के संख्या बढ़ गए है और उससे निकलने हुए से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, शब्द प्रदूषण भी होते हैं. फ्रिज के आविष्कार के बाद उससे निकला हुआ गैस ओजोन स्तर से निकलते हुए अतिबैगुनीय रश्मि धरती पर आता है और जीव जंतु को हानि पहुंचाता है. विज्ञान का सदुपयोग करने वालों के लिए अभिशाप नहीं है. वास्तव में विज्ञान तो एक आज्ञाकारी सेवक है जो मनुष्य के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है. पर जो लोग विज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे उससे हानि अर्थात नुकसान भी हो रहा है. समाप्त. विज्ञान को हम ठीक तरह से उपयोग करेंगे तो नुकसान से ज्यादा हम लाभ देखेंगे, इसलिए व्यवहार के ऊपर लाभ और हानि निर्भर है. विज्ञान से हमें जितना लाभ होते हैं उतना नुकसान भी होते हैं. विज्ञान के कारण सब कुछ इतना आसान हो गया है कि लोग ज्यादातर आलसी हो रहे हैं. विज्ञान के आविष्कारों का सदुपयोग करें और जितना हो सके इसके अपकारों से दूर रहे. अब यहाँ तक ही विज्ञान का दिन का ऐसे था. ये हर एक एग्जाम में आते हैं.
तो ये जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं आज ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। और अब तो सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए, और ऐसे एक ऐसी ऑप्शन है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है, जिससे आपके 8 मार्क्स ऐसे में रहते हैं, 8 या 10 मार्क्स, और ग्रामर भी रहते हैं। ग्रामर और ऐसे दोनों मिलाकर आप कोई भी एग्जाम में ज़्यादा मार्क लेकर आ सकते हैं, अगर ग्रामर और ऐसे दोनों सही हो तो। और मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, मैंने पहले वाला वीडियो पे बताए थे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है ऐसे। अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना पसंद नहीं है तो आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, बट अगर एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिले के चांस है। और आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके कि कम से कम गलतियाँ कम हो, और जो लिखावट है वो ज़्यादा अच्छा हो और साफ सुथरा हो, ताकि मार्क्स देने में आसानी हो टीचर्स को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।